भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अरुण सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। दरअसल उन्नाव गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर अरुण सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अरुण सिंह जेल में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बेहद करीबी है और उनके पिता की हुई मौत मामले में मुख्य आरोपी है। गैंगरेप पीड़िता ने बीजेपी प्रत्याशी पर जान से मारने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को जिला पंचायत का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जब बवाल मचा तो उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया। इससे पहले संगीता सेंगर ही उन्नाव जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। गैंगरेप पीड़िता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम योगी से अपील करते हुए कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके करीबियों ने उनके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं भाजपा की वारिस हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट दे रही है, जिनमें मेरे मुकदमे में पिता की हत्या में अरुण सिंह नामजद हैं, जिनमें मेरे खिलाफ कर रही है, मेरी जान के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है। मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे दोषियों को सरकार बीजेपी टिकट वापिस ले ले और टिकट ना दे। ये सारे दोषी हमारे हैं। बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि दोषियों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी पार्टी से टिकट भी दे रही है। ऐसे में उन्हें आखिर कैसे न्याय मिलेगा?